अरे रुको साहब रुको, मोटरसाइकिल में आग क्यों लगा रहे हो साहब? इसे जलाऊं ना तो और क्या करूं? एक घंटा हो गया इसे स्टार्ट करते हुए, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। 36 बार कॉल कर ली मैकेनिक को, साला एक भी मैकेनिक नहीं आया है। मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है, इसीलिए मैं गुस्से में इसको जला रहा हूँ। साहब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपने जितने भी मैकेनिक को कॉल किया उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ साहब मैं मिस्त्री हूँ। इतना लेट आयो, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ? दीवान जी मैं तो तुरंत आ गया हूँ। चलो अब जल्दी से इसे ठीक करो, मुझे बहुत जल्दी है। दीवान जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपकी बाइक अभी ठीक करके दे देता हूँ। साहब ये बाइक तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ी महंगी महंगी मोटरसाइकिल मैंने 10 मिनट में सही कर दी है। हाँ हाँ अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल ठीक करो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। अरे कहाँ रह गए तुम, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और कितनी देर में आओगे? हाँ हाँ बस 10 मिनट और लगेंगे मुझे, मैं पहुँचता हूँ। तुम कब से तो 10 मिनट बोल रहे हो, 1 घंटा हो गया तुम्हें ये झूठ बोलते हुए, कितना टाइम लगेगा अभी? सर मैंने आपको बताया तो मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, मैकेनिक अभी आया है, इसे ठीक करवाते मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है तो अब जल्दी से आओ। जी सर मैं भी आता हूँ। अरे वो मिस्त्री तू कब से मेरी मोटरसाइकिल ठीक करा, अभी तक हुई नहीं है ठीक? साहब बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए, अभी हो जाती है। ये दीवान जी आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई है, आप इसमें बेवजह आग लगा रहे थे, सोचिए कितना नुकसान हो जाता आपका। दीवान जी ये लीजिए आपकी बाइक की चाबी, अब मैं चलता हूँ। अरे वाह तुम तो बहुत होशियार मिस्त्री निकले, और तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही, बहुत नुकसान हो जाता मेरा अगर तुम नहीं आते तो। चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, ये बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? साहब दुकान छोड़ कर आया हूँ, 200 रुपए बनते हैं मेरे। क्या 200 रुपए? अबे बुड्ढे तू पागल हो गया है क्या, जरा से काम के लिए मुझसे 200 रुपए मांग रहा है? तुझे मेरी मोटरसाइकिल ठीक करने में कितना समय लगा है, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, और इतने से समय के लिए तू 200 रुपए मांग रहा है? तुम मिस्त्रियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, जहाँ 10 रुपए का काम होगा वहाँ बढ़ा चढ़ा कर उसे 100 रुपए का बताओगे, पर तू मुझे पागल नहीं बना पाएगा, दीवान हूँ मैं चौकी में। ये पकड़ 20 रुपए निकल। ये क्या बात कर रहे हो साहब, ये 20 रुपए दे रहे हो? मैंने इसका पूरा सॉकेट बदला है, मान लो मैं समय पर नहीं आता तो आप इसे जलाई देते, अब आपको 200 रुपए देते हुए आपकी नानी मर रही है। अपनी जुबान पर ताला लगा ले बुड्ढे, तुझे दिख नहीं रहा मैं पुलिस में हूँ, और तू एक पुलिस वाले को ही लूटने की फिराक में है? तुम मिस्त्रियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, मौका मिलते ही अपनी जेब भरने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो हट यहाँ से, जाने दे मुझे। मैं अपनी दुकान छोड़ के इतनी दूर से आपकी बाइक ठीक करने आया हूँ, मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, भीख नहीं, जो आप 20 रुपए दे के चल दिए। देख ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, 5 मिनट का काम था तेरा, उसी के 20 रुपए दे रहा हूँ, अब जाने दे मुझे, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। साहब मेरी मेहनत के पैसे दो, वरना मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। साले बुड्ढे तेरी इतनी हिम्मत, तो पुलिस वाले की बाइक से चाबी निकालता है, जिंदगी भर तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगा, रुक तू अभी। वर्दी देख के मुझे भी पता चल रहा है कि आप पुलिस में हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मेरा हक मारोगे। क्या हक चाहिए तुझे, रुक अभी देता हूँ तुझे हक। ये साहब रुकिए, क्यों मार रहे हो बेचारे इसको? दीवान जी आप इतने पढ़े लिखे समझदार हो, फिर क्यों झगड़ रहे हो मिस्त्री से? मैं क्यों झगड़ूंगा इस 2 कौड़ी के मैकेनिक से, ये उल्टा मुझसे बहस कर रहा है। क्यों मैं मिस्त्री क्यों लड़ रहा है साहब से? भाई साहब ये इनकी बाइक है, बहुत देर से स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं अपनी दुकान छोड़ कर इनकी बाइक ठीक करने आया हूँ, मैंने जल्दी जल्दी इनका सॉकेट बदला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इनको दे दी, और मैंने अपनी मेहनत के 200 रुपए मांगे तो साहब 20 रुपए दे के चल दिए, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली, कहाँ तो मैंने इनकी मोटरसाइकिल बचा दी, अब इनको 200 रुपए देते हुए भी जोर पड़ रहे हैं। साहब ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो बेचारे मिस्त्री के साथ, ये इतनी दूर से आया है अपनी दुकान छोड़कर, बेचारे के 200 रुपए बनते हैं तो 200 दे दो, क्यों 200 रुपए के चक्कर में इतनी बहस कर रहे हो? बहुत मेहनत करके काम सीखते हैं गरीब लोग, इनका हक मत मारो साहब। तुम लोग होते कौन हो जो मुझसे बहस कर रहे हो? मेरे सामने इसने मेरी मोटरसाइकिल ठीक की है, सिर्फ 5 मिनट का काम था, उसी हिसाब से मैं इसे 20 रुपए दे रहा हूँ, अब जल्दी से मेरी चाबी दिलवा दो इससे, वरना तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा इसके साथ। अच्छा अच्छा साहब आप गुस्सा मत करिए, मैं समझाता हूँ इन्हें। बाबा आप 2 मिनट के लिए इधर रहिए। इसलिए बाइक जैसी थी पहले बिल्कुल ऐसी कर दो। साहब जी मैंने इन्हें समझा दिया है, अब आप आइए 2 मिनट के लिए।
हाँ बताओ, क्या बात करनी है मुझसे? साहब, मजदूर आदमी बेशक गरीब होता है पर वो अपनी मेहनत करके खाता है, किसी से भीख नहीं मांगता। और ये पकड़ो अपने 20 रुपये, मिस्त्री ने बाइक पहले जैसी कर दी है, अब पता चलेगा आपको ये काम 20 रुपये का था या 200 का। क्या? प्लीज मेरी बाइक ठीक कर दो, कर दो इसे जैसे ये पहली थी। 5 मिनट का काम था ना, बुला लीजिए मिस्त्री को, करवा लीजिए अपना काम, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप ही करो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।